नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष रहे अजय राय पूर्व विधायक को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने पर उत्साहित कांग्रेसियों ने जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में बाजे गाजे के साथ अबीर गुलाल उड़ाते हुए मिष्ठान वितरण कर खुशी का इजहार किया और अजय राय की नियुक्ति पर उन्हें बधाइयां दी और शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने कहा कि अजय राय के परिवार का कांग्रेस से बहुत पुराना नाता रहा है। इनके भाई अवधेश राय कांग्रेस से जुड़े रहे। इनके बड़े पिता श्री नारायण राय 1969-70 में वाराणसी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। स्वयं अजय राय 5 बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने किसानों, मजदूरों, अधिवक्ताओं, छात्रों के समर्थन में अनेक आंदोलन किए। 2015 में साधु संतों के आह्वान पर प्रतिकार यात्रा के दौरान अजय राय सहित 81 लोगों के विरुद्ध प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें तमाम वर्तमान समय के मंत्री विधायक भी शामिल थे। अजय राय को छोड़कर बाकी सभी लोगों के विरुद्ध दर्ज मुकदमे को वापस ले लिया। इसके बावजूद भी सरकार उन्हें झुका नहीं सकी। अजय राय की नियुक्ति से उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नया उत्साह है। उनकी नियुक्ति पर आजमगढ़ कांग्रेस की तरफ से उन्हें बधाई और शीर्ष नेतृत्व का आभार। आगे आने वाले दिनों में यूपी कांग्रेस नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगी। जिला महासचिव अजीत राय ने अजय राय को बधाई देते हुए कहा, पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में 2-2 बार मोर्चा लेने वाले अजय राय का संघर्षों का इतिहास है। वह जमीन से जुड़े नेता हैं, कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करने वाले कुशल संगठक हैं। अजय राय के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कांग्रेस एक नया मुकाम हासिल करेगी और तानाशाह भाजपा सरकार को आने वाले दिनों में परास्त कर सत्ता से बेदखल करेगी। पूर्व जिला अध्यक्ष हवलदार सिंह, AICC सदस्य मुन्ना राय, रमेश राजभर, त्रिभुवन दुबे, मुन्नू यादव, जगतंबिका चतुर्वेदी, ज्ञान राम आदि लोगों ने भी बधाइयां दी। इस मौके पर तेज बहादुर यादव, अजीत राय, रण बहादुर सिंह, कन्हैया कुमार राव, अमर बहादुर यादव, विशाल दुबे, सुनील सिंह, इम्तियाज अहमद, रविशंकर पांडे, अंशुमाली राय, अंजलि पांडे, विवेक राय, नवनीत राय, प्रिंस सिंह राजपूत, प्रभुनाथ सिंह, आदित्य सिंह, शशिकांत पांडे, अशोक वर्मा, हरेंद्र सिंह, राम प्यारे यादव, जितेंद्र कुमार, मकबूल अहमद, जनार्दन सिंह, इफ्तिखार अहमद, सीमा भारती, मोहम्मद अजमल, प्रमोद यादव, मंसूर आलम उपस्थित रहे। न्यूज 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। खुशी इस उद्देश्य से मना रहे हैं कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने आज हमारे आदरणीय अजय राय जी को उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है और हम लोगों को इस चीज़ की अपार खुशी है। ऐसा संघर्षशील व्यक्ति अब हम लोगों को मिला है कि जिससे आने वाले समय में पूरे उत्तर प्रदेश में हम दमखम के साथ आगे बढ़ेंगे। माननीय अजय राय जी का संघर्षों का इतिहास रहा है, चाहे मजदूरों का मामला रहा हो, चाहे अधिवक्ताओं का मामला रहा हो, चाहे छात्रों का मामला रहा हो, उन्होंने बड़े प्रभावी ढंग से आंदोलन किए हैं और इनके परिवार में पहले से ही लोग कांग्रेस से जुड़े हुए थे। इनके बड़े पिताजी श्री हरिनारायण राय जी 1969-70 में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे बनारस के। इनके भाई अवधेश राय वो भी कांग्रेस से जुड़े रहे और 2015 में प्रतिकार रैली में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। इनके जुझारू होने का कई प्रमाण है जो हम लोग प्रेरित करता है आगे संघर्ष के लिए। प्रतिकार रैली में इनके साथ कम से कम 81 लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए प्रशासन के दबाव में। उस समय के तमाम मंत्री मिनिस्टर भी थे, सबका नाम हट गया लेकिन अजय राय जी का नाम नहीं हटा, लेकिन फिर भी वो सरकार के आगे झुके नहीं। बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति हैं और आज हम लोग खुश हैं और पूरे आजमगढ़ कांग्रेस कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपने शीर्ष नेतृत्व को कि ऐसा जुझारू प्रदेश अध्यक्ष हमें मिला है और इनके साथ हम मिल करके आजमगढ़ कांग्रेस को और मजबूत करेंगे। मैं जिला महासचिव कांग्रेस कमेटी आजमगढ़ और आपके माध्यम से सबसे पहले मैं शीर्ष नेतृत्व को का आभार व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश में अपने खोए हुए जनाधार के लिए पार्टी बरसों से संघर्ष कर रही थी, लेकिन आज ऐसे नेता, ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे जननेता को प्रदेश की कमान संभालने का अवसर दिया है, जिससे कि आने वाले लोकसभा में बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। और पुनः मैं सभी बड़े नेताओं का, अपने शीर्ष नेताओं का सादर आभार व्यक्त करता हूँ और साथ ही साथ
ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में अजय राय जी के नेतृत्व में हम लोग उत्तर प्रदेश में लोकसभा में बहुत अच्छा परिणाम लाने वाले हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।